ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم محترم مشائخ عزام علماء کرام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے معزز قائدین نمائندگان جملہ علماء کرام زعماء عظام اور کراچی اور اندرون سندھ کی معزز خواتین و حضرات اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک موقع پر تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی مشترکہ انتظام سے منعقد ہونے والی اس عظیم شان کانفرنس کے تمام شرکا ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے مبارک محفل میں شرکت و مبارکباد بھی دیتا ہوں. نہ صرف تمام مکاتب فکر کے نمائندگان شریک ہوئے بلکہ جملہ مذاہب کے نمائندگان اور ان کے قائدین اور ان کے رہنما شریک ہوئے. ہماری کرسچن بھائیوں کے جو مختلف چرچ ہیں ان کے بشپس اور ان کے ہیڈز بھی آئے, انہوں نے خطابات بھی کیے, اور سکھ برادری کے ایک معزز رہنما سردار صاحب وہ بھی تشریف لائے, ہندو برادری کے ہمارے یہاں کے مقامی رہنما بھی تشریف لائے, اور خاص طور پہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے شرکت کی, اور ہمارے بھائی وسیم اختر صاحب جو میئر کراچی ہیں انہوں نے خطاب کیا, ویلکم کرتا ہوں. پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی رہنما, ان کا بہت بڑا عظیم الشان وفد مرکزی قائدین کا آیا, اور وائس چیئرمین اور ان کے دیگر احباب, انہوں نے خطاب بھی کیا, اور انہوں نے, میں شکریہ اس بات کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو اون کیا ہے. یہ پروگرام آپ کا اپنا ہے, علامہ عباس کمیلی صاحب تشریف لائے, انہوں نے خطاب کیا, شکریہ, یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, آپ اپنے گھر آئے ہیں, اپنے پروگرام میں آئے ہیں. علامہ تنویر تھانوی صاحب تشریف لائے, سینیٹر, کافی دیر قبل آ گئے تھے, اجازت لے کے چلے گئے, اپنے پروگرام میں آئے ہیں. کچھ انتہائی اہم باتیں میں ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں, پھر اس کے حل کی طرف آتا ہوں. اس کانفرنس کے عنوان میں دو لفظ آئے ہیں, ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
और क़याम अमन। ये आज का इज्तिमा और इसका उन्वान दो अल्फाज का मजमुआ है। महीना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, हुजूर की विलादत बासआदत का महीना। एक उन्वान हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, सीरत नबी को एक उन्वान हासिल है, और एक उन्वान इस्लाम को दिया गया। सीरत नबी का उन्वान कुरान मजीद में ये है जो मैंने अभी तिलावत की आयत, फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा सरासर रहमत है, रहमत है, शफकत है, मोहब्बत है, इनायत है, नरमी है, इंसानियत का एहतराम है, जोड़ना है, संभालना है, कमज़ोरों को ऊंचा करना है, गिरे हुओं को उठाना है, महरूमों को देना है। यह आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का उन्वान है, रहमतुल्लिल आलमीन। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को भी एक उन्वान दिया है, वो आयत भी मैंने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा। इस्लाम का उन्वान है अमन और सलामती। जिस फिक्र में गले कटें वो सब कुछ हो सकता है, वो इस्लाम नहीं है। जिस फिक्र में गर्दनें कटें, जिस फिक्र में बेगुनाह इंसानों पर गोलियां चलें, जिस सोच और फिक्र में लूट मार हो, कत्लो गारत गरी हो, खून बहे इंसान का, उसे आप जो उन्वान चाहे दे दें वो इस्लाम नहीं है। वो कुफर से भी बदतर कोई नजरिया है। ये दो चीजें हैं, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को उन्वान रखा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़याम अमन। अब ये उन्वान 12 रबीउल अव्वल की रात एक बहुत बड़ी अजीम शान, आपको मालूम है सालाना इज्तिमा और कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान पर लाहौर में भी होता है, मगर ये उन्वान वहाँ के लिए नहीं रखा मैंने। तो मैंने कनाडा से इनको बताया कि मैं फ़्लाइट लेके सीधा कराची पहुँचूँगा, ये उन्वान कराची के लिए, इसलिए कि जितनी गर्दनें यहाँ कटी हैं, जितनी गोलियाँ यहाँ चली हैं, बेगुनाह इंसानों का जितना खून यहाँ बहा है, जितनी हलाकत और तबाही इंसानियत की यहाँ हुई है, शायद इसकी मिसाल पाकिस्तान का कोई खित्ता और कोई सूबा और कोई शहर नहीं दे सकता। और ये वो कराची है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, पालने वाले शहर का गला काटा जा रहा है, जो पूरे पाकिस्तान के रगो रेशे में, रगों में खून दौड़ाता है, जो पाकिस्तान की जिंदगी और ताजगी के लिए खून मुहैया करता है, उसका अपना खून बहाया जा रहा है अरसे दराज से। और जुल्म यह है कि कुछ खबर नहीं है कि वो खून बहाने वाला कौन है, इंसानियत को कत्ल करने वाला कौन है, इंसानियत को बचाने वाला कौन है। ये जुल्म पर जुल्म है, क्या खेल हो रहा है इस कौम के साथ। और कराची एक ऐसा शहर था, मैं 15-16-17 साल चुके हर महीने 3-3-4-4 दिन पहले वक्तों में आया हूं बिला नागा, तो मीर तकी मीर का शेर मुझे याद आता है, दिल्ली के लिए कहा था और वो मिसदाक था उसका कराची, दिल्ली जो एक शहर था आलम में रोजगार।
बसते थे जहां मुंतखब रोजगार के, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया। हम बसने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कराची उजड़ गया तो पाकिस्तान उजड़ गया, फिर पाकिस्तान का कुछ नहीं बचता। मैं समझता हूं कराची पाकिस्तान की शाहराग है, पाकिस्तान को ताकत देने वाला है और खुद ताकत से महरूम है। पाकिस्तान को कुव्वत देने वाला है, खुद कुव्वत से महरूम है। पाकिस्तान को एम्पावर करने वाला है, खुद पावर से महरूम है। कितना जुल्म है। हमें आज की इस नशिस्त में हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा से कुछ सबक हासिल करने, और फिर मैं इसको कंक्लूड करूंगा एक पैगाम पर, वो रास्ता इंसाफ और अदल के साथ हमारे मसाइल का हल है। ये मुल्क अमन के लिए बना, सलामती के लिए बना, और अब अमन और सलामती के लिए बनाया गया मुल्क खुद अमन और सलामती से महरूम है। यानी मारूफ लोगों को देखें तो हकीम मोहम्मद सईद से लेकर अमजद साबरी तक खुदा जाने कितनों का खून बह गया, कितने हजार हा इंसान लुकमे अजल बन गए, कितने डाके पड़े, कितनी हलाकत हुई, कितने बत्ते हुए, कितनी लाशें गिरी, कितनी लाशें जली। आज के दिन तक हम अभी इम्तियाज नहीं कर सके कि इस मुल्क का दुश्मन कौन है, दहशतगर्द कौन है। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा की तरफ आने से कबल यहीं से बात को शुरू करना चाहता हूं। क्या हमने दहशतगर्दी की शनाख्त कर ली है? नहीं बेटे, छोड़। क्या हमने दहशतगर्दी की तशखीस कर ली है? मैं कहूंगा नहीं की। मैं एम्फेटिकली कह रहा हूं, जोर देकर, नहीं की। दहशतगर्दी है क्या? याद रख लें, ये एक इंतहा पसंदी से जन्म लेती है। इंतहा पसंदी क्या है? ये एक नजरिया है। इसके पीछे मजहबी अवामिल भी हैं, इसके पीछे सियासी अवामिल भी हैं, इसके पीछे माशी अवामिल भी हैं, इसके पीछे मुआशरती और समाजी अवामिल भी हैं, इसके पीछे इलाकाई अवामिल भी हैं, इसके पीछे बैन अलक्वामी अवामिल भी हैं। मेरी दानिश में सिर्फ एक किस्म की ताकत से सिर्फ मार के कुछ लोगों को खत्म कर देना, इससे कुछ अफराद तो जरूर खत्म होते हैं, मगर इस सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। जब तक उस सोच को खत्म ना किया जाए जो सोच दहशतगर्द को जन्म देती है, जो सोच इंतहा पसंदी को जन्म देती है, और जिस इंतहा पसंदी की जमीन से दहशतगर्दी का पौधा उगता है, फिर उस पर फल फूल लगते हैं। हम कितनी शाखें काट देंगे? अगर तने कायम हैं तो फिर शाखें उगाएंगी। कितने तने काट देंगे? अगर जड़ें कायम हैं तो फिर दरख्त बन जाएंगे। क्या हमने इस सरजमीन से दहशतगर्दी के बीज खत्म कर दिए? क्या इंतहा पसंदी की रूट्स को खत्म कर दिया है? इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के असल अवामिल को क्या हमने एड्रेस कर लिया है? ईमानदारी से जब गले में झांक कर हम खुद इसका जवाब लेना चाहेंगे तो जवाब होगा नहीं।
अब मैं बहुत सारे अवामिल के पीछे तो इस मुख्तसर वक्त में नहीं जा सकता, इशारा कर दिया, बैन अल-अक़वामी अवामिल हैं जो पाकिस्तान को एक तरक्की करता हुआ पुरअमन मजबूत और मुस्तहकम मुल्क नहीं देखना चाहते। उनके यहां पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बेहतरीन टूल दहशतगर्दी, इतनी बात काफी है। इलाकाई अवामिल हैं जो इस रीजन में पाकिस्तान को एक आजाद मजबूत मुस्तहकम खुद मुख्तार और तरक्की करने वाला मुल्क नहीं देखना चाहते। उनके पास सबसे बेहतरीन टूल इस मुल्क में दहशतगर्द है और दहशतगर्दी ही के जरिए इलाकाई ताकतें और बैन अल-अक़वामी ताकतें अपने हदफ को, मकसद को आसानी से पा सकती हैं। वो हो रहा है। फिर इसके पीछे समाजी अवामिल भी हैं, मुआशरे में नाइंसाफियां हैं, नाइंसाफी इंतहा पसंदी को जन्म देती है। जिस मुआशरे में अदल नहीं होगा, नाइंसाफी होगी, उस मुआशरे में इंतहा पसंदी जन्म लेगी, उस मुआशरे में जराइम पसंदी जन्म लेगी और इस इंतहा पसंदी और जराइम से दहशतगर्द जन्म लेंगे। जिस मुआशरे में एक माफिया मखसूस तबकात पूरे मुल्क के वसाइल पर, दौलत पर, सल्तनत पर, सियासत पर, ताकत पर, सरमाए पर, हर शय पर काबिज होंगे और 18 करोड़ अवाम छोटे छोटे घरों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले, गली कूचों में रहने वाले, वो वसाइल से मारूम होंगे, इंसाफ से मारूम होंगे, दौलत से मारूम होंगे, खुशहाली से मारूम होंगे, तालीम से मारूम होंगे, इलाज से मारूम होंगे, जॉब से, रोजगार से मारूम होंगे। उन पर मुकदमे बनेंगे तो कोई हिफाजत करने वाला नहीं होगा। इंसाफ अमीर के लिए होगा, गरीब के लिए नहीं होगा। दौलत अमीर के लिए, गरीब के लिए नहीं। इलाज अमीर के लिए, गरीब के लिए नहीं। इस मुल्क के सारे वसाइल ताकतवर के लिए होंगे, कमजोर के लिए नहीं। जब आप तफरीक पर मबनी निजाम कायम कर देंगे, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जन्म नहीं लेगी तो और क्या जन्म लेगी। एक सीधा सा फलसफा है, इसको समझने के लिए PhD करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने के लिए को बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। समाज का, मुआशरत का छोटा सा तालिब इल्म और मुआशरे को देखने वाला जिसको रत्ती बराबर भी अकल हो, वो इस नतीजे पे पहुंचता है। लोग इंतकाम लेने के लिए भी दहशतगर्द बनते हैं। फिर इसके पीछे माशी मालियाती अवामिल हैं। जिस घर में रोटी नहीं होगी, जिस घर में चूल्हा नहीं जलेगा, जिस घर के बच्चे MA तक कर लें, MBBS कर लें, इंजीनियरिंग कर लें, उस घर के लिए जॉब नहीं होगा, जिस घर को घर वालों को इज्जत नहीं मिलेगी, उन्हें रोटी चाहिए, खा दहशतगर्द उन्हें महाना लगा दे, उन्हें रोटी से गरज है। दहशतगर्द उन्हें वजायफ लगा दे, उनके बच्चों को उठा लें, मस्जिद के नाम पर ले जाएं, मदरसा के नाम पर ले जाएं, दीन और मजहब के नाम पे एक्सप्लॉइट करें, जन्नत दिखाएं, हूरें दिखाएं, शहादत दिखाएं, ब्रेन वॉश कर दें, सोसाइटी का दुश्मन बना दें, फिरका वारियत में डाल दें, भले जिस राह पे डाल दें, उन्हें रोटी चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। वो दहशतगर्द नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? इतनी फैक्ट्रियां हैं दहशतगर्दी की, इतनी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, दहशतगर्द बनाने के इतने मौके हैं। बैरूनी सरमाया भी खर्च हो रहा है, इसलिए करप्शन का मुल्क के अंदर और दहशतगर्दी का बड़ा गठजोड़ है। इस गठजोड़ को तोड़ने की बहुत बातें मैंने कानों से सुनी और TV की स्क्रीन पे बहुत कुछ पढ़ा, मगर शायद मेरे इल्म में कुछ कमी है। जो माना मैं समझता रहा हूं कि दहशतगर्दी और करप्शन के गठजोड़ को तोड़ना यूं है, मेरे समझने में कोई मुगालता हुआ है, वो गठजोड़ तोड़ा नहीं गया।
वो गठजोड़ तोड़ा नहीं गया। ये सारे अवामिल हैं, इन पर आज एक नशिस्त में गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैंने बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं। आज मैं गुफ्तगू जो आगाज कर रहा हूं, इसके पीछे एक नजरियाती फैक्टर है, मजहबी और नजरियाती फैक्टर है, इंतहा पसंदाना सोच, उसको भी हमने अभी तक एड्रेस नहीं किया। मैं गुफ्तगू की इब्तिदा उस एक फैक्टर पे करता हूं और फिर उसको कनेक्ट करता हूं आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा ने जो हल दिया है हमें उस पर। आप दहशत गर्द तंजीमों के मुख्तलिफ नाम सुनते होंगे। मैं बैन अलाक़वामी नाम दो एक लेता हूं, मकामी नामों को आप सब जानते हैं। बैन अलाक़वामी नाम लेता हूं, पहले एक नाम अलकायदा का चलता था। अलकायदा से जो काम लिया जाने वाला था वो ले लिया गया होगा, उसको फिर नैपकिन और टिश्यू पेपर की तरह एक तरफ कर दी। अब उसके बाद मार्केट में दाइश का नाम आ गया। फिक्र एक है, सोच एक है, आइडियालॉजी एक है, किरदार एक है, उन्वान बदल, लिबास बदल जाते, लिबास बदलते, टाइटल बदलते हैं, उन्वान बदलते हैं, मगर फिक्र एक है। हमें उस फिक्र को एड्रेस करना है जो पाकिस्तान में आज के दिन तक एड्रेस नहीं किया गया। मैं गुफ्तगू हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक और सुन्नत तैयबा और सीरत मुहम्मदी से शुरू कर रहा हूं, दाइश के उन्वान से, क्योंकि दाइश अब पाकिस्तान में आ रही है। मैं आज निश्तर पार्क में ये बता रहा हूं आपको, लाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, जो कुछ सीरिया में हो गया, जो कुछ इराक में हो चुका, जो कुछ सीरिया में हुआ, यमन में हुआ, मिडल ईस्ट कंट्रीज में हो गया, अब अगला टारगेट अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, पाकिस्तान है। हमें सरजमीन को, इस जमहूरियत को, इस पुरअमन मुल्क को, अल्लाह के तोहफे को बचाना है। मैं वाजे तौर पे कौम को बता रहा हूं कि सफर शुरू है, इंतजामात भी हो रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, प्लानिंग्स हो चुकी हैं, खाके बन चुके हैं। अल्लाह इन सब चीजों को नाकाम फरमा दे, मगर नेक्स्ट टारगेट आपके दुश्मन का पाकिस्तान है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें दाइश के इस फितने से, दहशतगर्दी के दाइशाना फितवे से, जिसको आईसिस कहते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दाइश इसका मतलब है अद्दौलतुल इस्लामिया लिल इराक व शाम, ये है दाइश। दहशतगर्दी के कई हमलों को उन्होंने ओन करना भी शुरू कर दिया है। आगाज इसी तरह होता है, आगाज इसी तरह होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, किसी मेडिकल साइंस के छोटे से तालिब इल्म से पूछ लो या किसी डॉक्टर से, हवा में इन्फेक्शन के जर्म्स, बैक्टीरियाज हर वक्त मौजूद होते हैं हमारी सोसाइटी में। क्या वजह है कि एक ताकतवर सेहतमंद इंसान को वो बैक्टीरिया और वो जर्म्स बीमार नहीं करते, और एक कमजोर इंसान को वही बैक्टीरिया बीमार करते हैं। जब तक अंदर बाहर के दुश्मन को कबूल करने के लिए अंदर एक सलाहियत मौजूद नहीं होगी, उस वक्त तक बाहर का दुश्मन आपको हमला करके नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके अंदर का डिफेंस सिस्टम जब तक कमजोर है, या आपके अंदर का जो जरा सी, उनका बाहर के दुश्मन के साथ एक राबता है, ज़हनी राबता, फिक्री राबता, तिब्बी राबता, सियासी राबता, मालियाती राबता, सेहत का राबता, जो किस्में चाहें,
समझदार के लिए मैं बहुत सारे उनवान दे रहा हूं, जब तक आपके अंदर का राबता बाहर के दुश्मन के साथ नहीं, बाहर का दुश्मन आप पर हमला आवर नहीं हो सकता, आपको नजला और जुकाम ही नहीं होगा। इन्फेक्शन तो दूर की बात है, आपका मन डिफेंड करेगा अपने आप को, डिफेंस होगी। जब दहशत गर्द किसी मुल्क में अंदर आते हैं, उसी वक्त आते हैं जब उनके अंदर कबूलियत पाई जाती है, उन्हें ठिकाना देने वाला कोई होता है, उन्हें पनाहगाह देने वाला कोई होता है, उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई होता है, उन्हें दावत देकर महफूज करने वाला कोई होता है। अगर अंदर सारा का सारी दुनिया का मुल्क, ये जिस्म है ना, सर से पांव तक ये एक मुल्क है, इंसानी जिंदगी का मुल्क है, अगर सारा मुल्क, सारा सारी कौम अगर दहशत गर्दी को कबूल करने के लिए तैयार न हो, तो वो बैक्टीरिया इर्द गिर्द आपके घूमता रहेगा, आपके अंदर असरअंदाज नहीं हो सकता। बदकिस्मती है कि इस मुल्क में रिसेप्शन है दहशत गर्दी के लिए, कबूलियत है, इस मुल्क के अंदर सलाहियत पैदा कर दी गई है, इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को कबूल करने के लिए बेसिक फाउंडेशन, बुनियादें रख दी गई हैं। अब किस किस से आप लड़ेंगे, फौज किस किस से लड़ेगी, कितनी जरबे अमन और जरबे अजम करेंगे, किस किस सूबे में, शहर में जाके जंग करेंगे और कत्ल करेंगे, गोलियां चलाएंगे। भाई जब तक आप दहशत गर्दी की कबूलियत का जो माहौल है, एटमोस्फेयर है, जो तबीयत है दहशत गर्दी को कबूल करने की, जब तक उसे जड़ से खत्म ना करें, आपकी करोड़ों गोलियां भी दहशत गर्दी को खत्म नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान को मैं मैसेज दे रहा हूं, इस पर सोचना होगा, पाकिस्तान की कौम को सोचना होगा, पाकिस्तान की सियासी क्यादत को, जमातों को सोचना होगा, पूरे मुआशरे को सोचना होगा। दाइश, जिसको आईसिस कहते हैं, आप में से कितनों को पता है कि उनका जो निशान है, झंडा, वो काले रंग का है सारा। हाथ खड़ा करें, कितनों को मालूम है, ऊंचा हाथ खड़ा करें। बॉसों को पता है, बॉसों को नहीं पता, वो आज सुन लें, उनका झंडा ब्लैक फ्लैग है, काले रंग का झंडा है, और उसके ऊपर दौलत उल इस्लामिया लिखा हुआ, इस्लामिक स्टेट, काले रंग का झंडा है और अद्दौलत उल इस्लाम, इस्लामिक स्टेट उनका टाइटल है। चूंकि सीरत-उन-नबी की कॉन्फ्रेंस है क़याम अमन के लिए, तुम आकल इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूं, आप फख्र करें, अल्लाह ने हमें ऐसे बरगुजीदा और आला ओ औला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत और उम्मत बनाया, गुलाम बनाया, जिन्होंने आखिरी जमाने तक हर फितने का नाम लेकर निशानियां बता बता कर उम्मत को आगाही दे दी। अब हदीस कोट कर रहा हूं मैं, हदीस पाक, इमाम बुखारी के शेख हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम नुएम बिन हम्माद, उनकी हदीस की किताब है, जिसका मतलब यह है कि आज की कोई ताजा फैब्रिकेटेड चीज कोट नहीं कर रहा, 1200 साल कबल यह हदीस की किताब मुरतब हुई, उसका नाम है किताबुल फितन। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन जिन फितनों की निशानदेही फरमाई, उन फितनों का जिक्र करके किताब हदीस की मुरतब की। इमाम नुएम बिन हम्माद, उन्होंने किताबुल फितन में बयान किया हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाया फ़ाइज़ा ख़राजतिर रायातुस सूद, लोगों एक वक्त आएगा, आखिरी ज़माने का जिक्र किया, काले झंडों वाले अपीयर हो जाएंगे, काले झंडों वाली एक जमात अपीयर होगी। फरमाया जब ब्लैक फ्लैग्स, काले झंडों वाली जमात अपीयर हो, फ इन्ना अव्वलहा फितनतुन, उसकी इब्तिदा फितना होगा,
وَأَوْسَطَهَا دَلَالَةٌ اس کا درمیان گمراہی ہوگی وَآخِرَهَا كُفْرٌ اور اس کا اینڈ کفر پر ہوگا. اب اس حدیث کو سن کر, یہ حدیث کتاب الفتن امام نعیم بن حماد کی حدیث نمبر 551 ہے. میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہے بھی یا نہیں, یا ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ بات کبھی میرے لیے کہی تو کسی نے نہیں, خدا کا شکر ہے پوری زندگی میں میں نے جو بات کہی ہے اس کو کبھی کسی نے ریبٹ, کوئی نہ مانے یہ الگ بات ہے, مگر ریفیوٹ نہیں کیا کسی نے کہ یہ غلط کہا ہے. میری بات تو سیاست میں بھی کہی ہوئی کو غلط نہیں کہا کسی نے, ڈس ایگری کرنا الگ بات ہے کہ یہ غلط کہا ہے. تو مذہب میں تو پھر ساری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ریفیوٹ کہ یہ غلط کہا ہے, مگر میں کوٹ کر رہا ہوں. ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال جائے کہ کالے جھنڈوں کا اور کالے جھنڈوں کی جماعت کا ذکر تو ہوا, مگر کیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دولہ اسلامیہ اسلامک اسٹیٹ آئیسس, یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے؟ ممکن ہے اس سے مراد کوئی اور طبقہ ہو. اب اگلی حدیث کوٹ کرتا ہوں, اور اس حدیث کے راوی علامہ کمیلی صاحب, اگلی حدیث کے راوی مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود ہیں. اور جو حدیث اب کوٹ کر رہا ہوں اس حدیث کا نمبر 573 ہے, وہی کتاب الفتن امام نعیم بن حماد, سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کالے جھنڈوں والی جب جماعت اپیئر ہوگی تو ان کی کچھ نشانیاں سن لو, امت کو نشانیاں بتائیں. فرمایا قلوبہم کزبر الحدید, ان کے دل لوہے کی طرح لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے, بڑے کہتے ہیں نا سنگ دل یعنی پتھر کی طرح دل, فرمایا نہیں لوہے سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہوں گے, اتنے ظالم خونخوار لوگ ہوں گے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اصحاب الدولہ, وہ کلیمنٹ ہو گئے کہ ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے, ہماری الدولہ اسلامی اصحاب الدولہ, وہ اسٹیٹ کے اسلامک اسٹیٹ کے کلیمنٹ ہوں گے, دعوے دار ہوں گے. ان کے ٹائٹل میں الدولہ کا لفظ آج سے 1450 سال قبل حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا. میں نے حدیث کوٹ کر لی, یہ الدولہ ہے اور الدولہ اسلامی آئی ہے نا, داعش اسلامک اسٹیٹ. لا یفون بعہد ولا میثاق, انہیں کسی معاہدے کی پاسداری نہیں ہوگی, کسی ایگریمنٹ کا حیا نہیں ہوگا. یدعون الی الحق ولیسوا من اہلہ, وہ لوگوں کو حق کی قرآن کی اسلام کی بات کریں گے دعوت دیں گے, مگر وہ اسلام والوں میں سے ہوں گے نہیں. فرمایا اسماءہم الکنا, پھر ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے نام کنیت کے ساتھ ہوں گے, یعنی جب آپ ان کے ناموں کو دیکھنا چاہیں گے تو ان کے نام کنیت والے ہوں گے. اسماءہم الکنا, وہ اپنے اصل نام ظاہر نہیں کریں گے, ابو فلاں ابو فلاں ابو فلاں کنیت کے ساتھ ظاہر کریں گے. اب ان کے بانیوں کے سارے لیڈر داعش کے ان کے نام کنیت کے ساتھ ہیں, کسی کو اصل نام معلوم نہیں دنیا میں. ابو بکر البغدادی, میں چند نام گن دیتا ہوں آپ کو, ابو عبد الرحمن البیلاوی, ابو بلال المشہدانی, ابو ایمن العراقی, ابو علی الانباری, ابو لقمان, ابو مصعب, ابو عمر قرداش, ابو ناصر, ابو علی, ابو انس, ابو عمر, ابو الاصیل, ابو جاسم, ابو لقمان, ابو جلال, ابو خلیفہ, ابو بصیر, ایک طویل فہرست ہے. ان کے سارے لیڈر ابو کے نام سے جانے جاتے ہیں, اصل نام کسی کو معلوم نہیں. اور ہمارے آقا تاجدار کائنات نے 1400 سال قبل بتا دیا تھا کہ کالے جھنڈوں والی جماعت جو قتل عام کرنے والی انسانیت کی اٹھے گی, ان کے سب لیڈروں کے نام ابو کے ساتھ شروع ہوں گے.
फिर फरमाया वनिस्बतुहुमुल कुरा, उनकी निस्बत उनके कस्बों और गांवों की तरफ होगी। शऊरहुम मुरखात, उनका शऊर निसा, बड़े लंबे लंबे बाल होंगे। आप इंटरनेट पे चले जाएं, कंप्यूटर ऑन कर लें, मैं सबको कह रहा हूँ, बेटे और बेटियों को, इन सारे लीडरों की पिक्चर्स निकालें, कंधे तक इन सब के बाल हैं और लपेट कर अपने बालों को रखा हुआ है। ये पहले लीडर पैदा हुए हैं इतने लंबे बालों वाले, ये मुसलमान कल्चर में औरतों की तरह उनके बाल होंगे। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे बढ़कर फरमाया कि फिर आप जाके पिक्चर देखें, जैसे ऊंट की कुहान होती है, ऊंट की इस तरह कपड़े से अपने सर और मुंह को बांध लेंगे और कुहान लगेगी ऊंट को, पता नहीं चलेगा कि कौन है। आप इंटरनेट पे चले जाएं, इनकी तस्वीरें देखें, सारे इस तरह नजर आएंगे। फिर आगे सुनिए, हजरत कतादा रिवायत करते हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, फरमाया अव्वलुल ख़राब मिस्रा, ये जो फ़िक्र है उम्मत में ख़राबी पैदा करने का, मिस्र से भी शुरू होगा, वल इराक, फिर इराक को अपने घेरे में लेगा और उसके बाद शाम को सीरिया को घेरे में लेगा। अब बता दीजिए, कोई शक रह गया है इस बात का? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस की रिवायत करते हैं, हदीस नंबर 676 है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये काले झंडे वाली जमात, जो खवारिज की एक जमात है, दाइश अद्दौला क्लेम करने वाली, तुतीफ व बिशाम, पूरे सीरिया को दिमश्क से हलब तक शाम को घेरे में ले लेगी। अब फितना जंग कहाँ चल रही है, दो मुल्कों में कहाँ चल रही है, सीरिया में और इराक में। फरमाया तुतीफ व बिशाम, शाम को घेरे में ले लेगी, व तख्शा बिल इराक, और पूरे इराक को अपने इहाते में ले लेगी ये जंग। आका अलैहिस्सलाम ने शहरों के नाम बता दिए, मुल्कों के नाम बता दिए, शाम को घेरे में लेगी, इराक को घेरे में लेगी, मिस्र को बर्बाद करेगी। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने निशानियां बयान की, तमाम अहदीस को जमा करके निशानियों को ब्रीफली कोट कर रहा हूँ। फरमाया काले झंडे होंगे, लोहे की तरह सख्त दिल होंगे, अद्दौला इस्लामिक स्टेट का क्लेम करने वाले होंगे, ज़ुहूरहुम मिन बादियतिल इराक व नवाहीहा, इनकी अपीयरेंस इराक के सहराई इलाकों से होगी। बादियतुल इराक, इराक का जो डेजर्ट एरिया है, नवाही इलाका और सहराई इलाका, वहां से इमर्ज करेंगे, फिर सीरिया को घेरे में लेंगे। और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि इनके सर और बाल और चेहरे को ये शक्ल देंगे जैसे ऊंट के कुहान होती है, उसको कपड़ा पहना दिया जाता है। और इनका नारा होगा बुकुशुन बुकुशुन, किल द पीपल किल द पीपल, मारो मारो, कत्ल करो कत्ल करो कत्ल, इनका नारा होगा, कत्ल इनका नारा होगा। इंसानी खून को हलाल समझेंगे, इंसानी माल को लूटना हलाल समझेंगे, इज्जतों को लूटना हलाल समझेंगे। अल इराक युरक अरकल अदीम, सारा इराक इनकी वजह से जंग की लपेट में चला जाएगा, इराक जंग की लपेट में चला जाएगा। यशुक शाम व शक शार, और शाम के अंदर सिविल वार हो जाएगी, ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिविल वार हो जाएगी इनकी वजह से शाम को। और फरमाया एक पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, फिर जजीरा अरब यमन समेत वहां भी फितना फैल जाएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके बाद शाम वाले लोग सीरियन हिजरत करके मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों को मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। इखराज अहल शाम मिनहा, शाम के लोग अपने मुल्क से हिजरत करके दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो जाएंगे। अब मैंने इस वक्त तक सारा मजमून आका अलैहिस्सलाम की अहदीस का बयान किया, इसके बाद कोई शक रह जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने निशानदेही सही नहीं फरमाई, हमारे पैगंबर ने हमारे आका ने निशानदेही कर दी है, सही कर दी है, मगर हम उस निशानदेही को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। यहां लोग बैठे हैं,
ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ टाइटल बदलना है, एक अम्ब्रेला टाइटल ले लेना है। खुदा के लिए उस वक्त से डरो जब पाकिस्तान में एक नई दहशतगर्दी की और कत्ल गारतगरी की लहर आ जाए। अभी पहली खत्म नहीं हुई, फिर मुल्क दोबारा उससे ज्यादा तबाहकुन और हलाकत अंगेज दहशतगर्दी की लपेट में ना चला जाए। आज कराची के निश्तर पार्क से मैंने ये मैसेज आपको पहुंचा दिया, पूरे मुल्क को पहुंचा दिया। अब इसका इलाज हमें बैठकर अपनी सोचों को बदलना होगा। बेटे कोई चीज रखना नहीं, बारी। अपनी सोचों को बदलना होगा। जब तक हम अपनी मेंटेलिटी नहीं बदलते और हम रियलाइज नहीं करते कि हम दहशतगर्दों के हाथ गिरवी रखे जा रहे हैं, पूरा मुल्क दहशतगर्दों के हाथ गिरवी रखा जा रहा है, और आपके दुश्मन की नजरें पाकिस्तान के एटम बम पर हैं, इसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी पर हैं, ये सारे रास्ते और गलियां कूचे उस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने की तरफ। पाकिस्तान की एक ही ताकत जिसकी वजह से पाकिस्तान की हिफाजत और इस्तेकाम है, अल्टीमेटली उसको खत्म करना। यह काम दहशतगर्दों के हाथों लिया जाएगा या दहशतगर्दों को तहफ्फुज देने वाले, दहशतगर्दों को पनाह देने वाले, दहशतगर्दों के साथ मुआमनत करने वाले ऐसे लोगों के हाथों लिया जाएगा। इस तबाही से और हलाकत से बचने का एक ही रास्ता है, गर्म पानी, एक ही रास्ता है गर्म पानी। वो ये कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत तैयबा में, अपने दीन के जरिए, अपनी सुन्नत मुबारका के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी तालीमात के जरिए जो रास्ता हमें दिखाया है, हम उस राह पे चल पड़े, उस आइडियालॉजी को अडॉप्ट कर लें। हिज्जतुल विदा का मौका है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, अरफात से हज अदा फरमा के मीना तशरीफ लाए। कुर्बानी का दिन है 10 जिलहज, हज के अगला दिन कुर्बानी का, मीना में आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, ईद का खुतबा। उस ईद के खुतबे में आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम 1.25 लाख के करीब सहाबा का इज्तिमा है, पूछा अय्यो यौमिन हाजा, पूछा बताओ आज कौन सा दिन है। सहाबा कराम ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानता है, जवाब नहीं दिया। फरमाया क्या आज हज का दिन नहीं है, यौमुन नहर यानी हज की कुर्बानी का दिन नहीं है, कुर्बानी का दिन। सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह जी हाँ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने पूछा अय्यो शहरिन हाजा, बोलो ये कौन सा महीना है। उन्होंने कहा अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानता है। फरमाया क्या हज का महीना नहीं है। अर्ज किया जी हाँ या रसूलल्लाह, ज़िलहज्जा है। फिर काबा शरीफ की तरफ हाथ उठाया, इशारा किया मक्का मुअज्जमा की तरफ, फरमाया अय्यो बलदिन हाजा, ये शहर कौन सा शहर है। सबको मालूम है, मैं इसकी हिकमत समझाता हूँ क्यों, सबको मालूम है मगर सहाबा कराम खामोश थे। वो मालूम करना चाहते थे कि आका का मंशा क्या है। अर्ज किया अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानता है। फरमाया ये मक्का नहीं है, बलद हराम। जी हाँ या रसूलल्लाह, मक्का मुअज्जमा है। अब आगे जाके मैसेज दिया आका अलैहिस्सलाम ने और इन तीनों चीजों को गवाह बनाना चाहते थे। फरमाया आज कौन सा दिन है, हज के बाद कुर्बानी का दिन, ए दिन तू गवाह हो जा। कौन सा महीना है, हज का महीना, तू गवाह हो जा। ये काबातुल्लाह का शहर कौन सा शहर है, तू गवाह हो जा। या रसूलल्लाह किस चीज पर काबा गवाह हो जाए, किस चीज पर हज का महीना गवाह हो जाए, किस चीज पर आज यौमुल अधा गवाह हो जाए। ये गवाहियां दिलाकर फरमाया मेरी इस बात पर हर कोई गवाह हो जाए। फ इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम व अरादकुम
حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا و شہرکم ھذا و بلدکم ھذا. فرمایا اے کعبہ تو گواہ ہو جا, اے شہر مہینہ حج تو گواہ ہو جا, اے یوم حج اور یوم ادھا گواہ ہو جا, میں امت کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ لوگو تم سب کی جان اس کعبے کی طرح ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہے, تم سب کا مال کعبے کی طرح ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے, تم سب کی عزتیں کعبۃ اللہ اور حج کی طرح ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے. سن لو, کوئی شخص کسی کی جان سے کھیل نہیں سکتا. کسی کی جان سے کھیلنے کا مطلب یہ کہ وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کر رہا ہے. کوئی شخص کسی کے مال کو تلف نہیں کر سکتا. کسی کا مال لوٹنے کا مطلب یہ وہ اللہ کے گھر کعبے پر حملہ کر رہا ہے. کوئی شخص کسی کی عزت پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے گھر کعبے کی عزت پہ حملہ آور ہو رہا ہے. جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا, اس کے بعد فرمایا قال اللہم اشہد, اے اللہ اب تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے میسج پہنچا دیا. یہ میسج دین ہے, یہ میسج سیرت محمدی ہے, یہ میسج قرآن ہے, یہ میسج میلاد مصطفیٰ ہے, یہ میسج کردار ہے آقا علیہ السلام کا عطا کردہ. اے اللہ تو گواہ ہو جا. پھر فرمایا فل یبلغ الشاہد الغائب, یہ جو میں نے میسج دیا ہے ہر شخص جو یہاں موجود ہے وہ ہر غیر حاضر شخص تک میرا میسج پہنچا دے. یہ فرما کر آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, فرمایا میرے لوگو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کافر نہ ہو جانا, یعنی اللہ کے منکر نہ ہو جانا. کیسے؟ کہ کہیں ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹے لگ جاؤ. ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے, گولیاں چلاؤ گے, خون ناحق بہاؤ گے, جو کراچی میں ہوتا رہا ہے, جو پاکستان بھر میں ہوتا رہا ہے, خون ناحق بہاؤ گے, اس کا مطلب ہے اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ گئے ہو اور اللہ کے گھر کعبے پر حملہ آور ہو گئے ہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا. پھر میرے آقا, یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. پھر آقا علیہ السلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں. یہ سیرت محمدی ہے اور سیرت محمدی سر تا سر پیغام امن ہے. سیرت کے اس پیغام کے بغیر پاکستان میں قیام امن نہیں ہو سکتا. جو لوگ یہاں خون بہاتے ہیں اور جب بھی وہ پکڑے جاتے ہیں, سچے یا جھوٹے, کسی نے نہیں کہا کہ میں مذہباً ہندو ہوں. میں نے آج تک نہیں سنا کسی نے کہا کہ میں مذہباً سکھ ہوں. میں نے نہیں سنا کسی نے کہا کہ میں مذہباً مسیحی ہوں. وہ نام نہاد نکلتا تو مسلمان ہے, وہ نکلتا تو پاکستانی. اور خون بہانے والے پولیس افسروں کو بیرون ملک وظیفے دے کر فرار کروا دینے والے, شریف برادران کو بھی کہہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں, اور وہ لوگ جو مذہبی چہرے رکھ کر کراچی میں خون کی ہولی کھیل رہے ہیں, ان سے بھی کہہ رہا ہوں. وہ جماعتیں مذہب کا لبادہ اوڑھتی ہیں یا نہیں اوڑھتی غرض نہیں, ہر ایک سے جو کلمہ پڑھتا ہے. اور شریف برادران حج کرنے جاتے ہیں, آپ اس لمحے کو یاد کرو جب کعبے کا غلاف تھامتے ہیں اور حجر اسود پہ کھڑے ہو کے کعبے کو چومتے ہیں. ارے کاہے کو چومنا اس کعبے کو, شرم نہیں آتی آپ کو؟
काबे का गिलाफ थामते हुए, उस काबे को चूमते हुए, उस काबे का तवाफ करते हुए, उस वक्त याद नहीं आता कि 17 जून को हम उन 14 लोगों की लाशें गिरा के आए हैं जिन मुसलमानों के लिए इस काबे वाले मुस्तफा ने फरमाया था, खुदा की इज्जत की कसम काबा तुझसे ज्यादा मेरी उम्मत के इंसानों के खून की इज्जत है। इंसानों का खून गिराकर काबे से क्या लेने जाते हो? खून की नदियां बहाकर किस मुंह से जाते हो काबे की तरफ? कराची का अमन बर्बाद करके किस मुंह से मजहब का और दीन इस्लाम का नाम लेते हो? क्वेटा में मसलक की इख्तिलाफ है, अहले तशय्यो को 100-100 के करीब कई बार गोलियों से भून कर लाशें गिराकर किस मुंह से काबा देखने जाते हो? किस मुंह से इस्लाम का नाम लेते हो? ये हुजूर की उम्मत का मसला है, ये पूरी इंसानियत का मसला है। न इसमें किसी बरेलवियत का धंधा है, ना देवबंदियत का, ना वहाबियत का, ना शीयत का, ना सुन्नियत का। हुजूर की सारी उम्मत और अल्लाह की पैदा करदा सारी इंसानियत, हर इंसान का खून अजीज है, किसी का खून बहाने की इजाजत नहीं। यह बात सोचने की है। और अगर आपके जेहन में यह ख्याल आए कि हमने तो पुलिस को ऑर्डर दे दिया था, गोलियां उन्होंने चलाई, यहां भी कराची में जो लाशें गिराते हैं उनको भी किसी ने ऑर्डर ही दिया हुआ होता है, बात सही है या गलत? किसी ने पैसा दिया हुआ होता है, किसी ने एजेंडे पे रखा होता है। हर जगह दहशतगर्द किसी के हुक्म पे कर रहा है, पैसे के एजेंडे के साथ कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई है। इस पर सुन लें, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने रिवायत की, बिस्मिल्लाह, और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ अन्न अहल समाई वल अर्द इश्तरकू फी दम मुमिनिन लअक्कबहुमुल्लाह फिन्नार। अगर जमीन व आसमान के सारे लोग मिलकर किसी एक कातिल को भी सपोर्ट कर देना, कत्ल एक शख्स करे और उस एक कातिल के पीछे जमीन व आसमान की सारी मखलूक हो, तो फरमाया मैं जमीन व आसमान की सारी मखलूक को दोजख में डाल दूं। सिर्फ एक कत्ल करने वाले को नहीं, ये 10, 20, 50, 100 की बात भी नहीं, हजारों लाखों लोग भी अगर कातिल की मुआमनत करने वाले हैं, कातिल को ऑर्डर देने वाले हैं, कातिल को रास्ता दिखाने वाले हैं, कातिल को तहफ्फुज़ देने वाले हैं, कातिल को सपोर्ट करने वाले हैं, फरमाया अगर वो जमीन और आसमान से भी पूरे भर जाए ऐसी मखलूक, मैं सारों को जहन्नुम में डाल दूंगा। यह अकल सलाम ने फरमाया। और हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, हुजूर सलाम ने फरमाया, लज़वालु दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन कत्ल रजुलिन मुस्लिम। एक शख्स का कत्ल करना अल्लाह के नजदीक सारी कायनात को खत्म कर देने से बड़ा गुना है। फरमाया एक तरफ सारी दुनिया को खत्म करना हो, एक तरफ एक शख्स को कत्ल करना, एक इंसान को कत्ल करना सारी दुनिया की बर्बादी से बड़ी तबाही है। यह है दीन इस्लाम, यह है सीरत मुहम्मदी, यह है इश्क रसूल, यह है पैगाम मुस्तफा, यह है तालीमात कुरान। इस पर पाकिस्तान को उस्तवार करना है, सोसाइटी को इस पर। अगर आपके जहन में ख्याल आया कि सब कुछ मुसलमानों के लिए, कि सिर्फ मुसलमान की जान की और उसकी इज्जत की और उम्मत है, गैर मुसलमानों के लिए नहीं, तो फिर आपने दीन इस्लाम को नहीं पढ़ा। इस्लाम इंसान की बात करता है। क्या बात करता है? इंसान की। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र से रिवायत है, फरमाया जिस शख्स ने एक गैर मुस्लिम शहरी को भी कत्ल कर दिया, मन कातला मुआहदन, एक नॉन मुस्लिम को कत्ल कर दिया, आका अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ फरमाया
غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس کا مذہب اور ہے، آپ کا مذہب اور ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں بتا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو کا سونگنا بھی حرام ہے. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. فرمایا خواہ وہ خوشبو 40 میل تک کی مسافت پہ آ رہی ہو، اگر 40 میل تک قیامت کے دن جنت کی خوشبو جائے گی تو اسے 40 میل تک جنت کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے غیر مسلم کو قتل کیا ہے، ناحق خون بہایا. پھر اگلی حدیث مسند احمد بن حنبل کی اور نسائی کی، اس نے فرمایا کہ لم یجد ریح الجنہ، غیر مسلم کا ناحق خون بہانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ آمَن، خواہ 70 سال کی مسافت پر اس کی خوشبو جنت کی آئے. تو 70 سال یعنی پیدل چلتا جائے نا آدمی تو 70 سال لگ جائیں جنت تک پہنچنے میں، تو 70 سال لگے تو 70 سال تک بھی اس کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. پھر اگلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِئَةِ آمِن، اگر 100 سال تک کی پیدل مسافت کے فاصلے تک جنت کی خوشبو جائے، 100 سال کی مسافت تک، وہاں تک بھی سونگنے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس نے غیر مسلم کا ناحق خون بہایا ہے. پھر آگے فرمایا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی ہیں، روایت فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ ان یشم ریحہا وریحم یوجد ریحہا یوجد من مسیرت 500 عام، جس نے من قاتلہ نفساً معاہداً بغیر حق کے، جس نے غیر مسلم شخص کو ناحق قتل کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 500 سال کی مسافت تک بھی جنت کی خوشبو جاتی ہے، 500 سال کی مسافت تک بھی اس کو جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دوں گا. اور حرمہا علی الجنہ، اللہ نے اس قاتل پر جنت حرام کر دیا جائے. کیوں؟ حکمرانوں، غیر مسلم کا ناحق خون بہایا ہے. پھر سلطنت شریفیہ کے بادشاہو، حضرت ابو بکرہ شہنشاہو، قاتلو ظالمو جابرو خاسبو لٹیرو این یشم ریحہا وریحم یوجد ریحہا یوجد من مسیرت 500 عام، جس نے من قاتل نفساً معاہداً بغیر حق، جس نے غیر مسلم شخص کو ناحق قتل کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 500 سال کی مسافت تک بھی جنت کی خوشبو جاتی ہے، 500 سال کی مسافت تک بھی اس کو جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دوں گا. اور حرمہا علی الجنہ، اللہ نے اس قاتل پر جنت حرام کر دی ہے. حکمرانوں، سلطنت شریفیہ کے بادشاہو، شہنشاہو، قاتلو ظالمو جابرو غاصبو لٹیرو، تم نے، یہ تو اللہ کے رسول نے غیر مسلم کا ناحق خون بہانے والے پر جنت حرام کر دی ہے، تم نے تو کلمہ پڑھنے والے 14 کی لاشیں گرائی ہیں ماڈل ٹاؤن میں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس ملک میں مجھے پتا ہے مظلوم کو کبھی انصاف نہیں ملا، اس ملک میں کمزور کو انصاف نہیں ملتا، کوئی ادارہ اس ملک میں کمزور کے ساتھ نہیں ہے. آپ بھی حوصلہ رکھیں، آپ بھی حوصلہ رکھیں، کراچی والے حوصلہ رکھیں، کمزور کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. مگر ایک بتاتا ہوں، ایک طاقت ہے جو کمزور کے ساتھ ہوتی ہے، اتنا بڑا طاقتور کوئی نہیں، وہ اللہ ہے. اللہ کمزور کے ساتھ، اللہ کمزور کے ساتھ ہے. سلطنت کربلا میں بھی حسین کے ساتھ نہیں تھی. آپ اور ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ تاجدار کائنات کے شانوں پر، کندھوں پر بیٹھنے والے شہزادے، وہ آقا کی زبان چوسنے والے شہزادے، حضور کو اپنی سواری بنانے والے شہزادے، جنت کے جوانوں کے سردار ہونے والے شہزادے، امام حسین، امام علی مقام،
और शहजादियां, उनसे बढ़कर कायनात इंसानी में किसकी इज्जत हुरमत होगी। सल्तनत उनके साथ नहीं थी, कोई इदारा उनके साथ नहीं था। वो शहीद हो रहे थे, घोड़ों के पांव के नीचे उनके मुकद्दस लाशें पामाल हो रहे थे, नेजों पर उनके मुकद्दस सर कुरान की तिलावत करते हुए मुल्क शाम की तरफ ले जाए जा रहे थे। दुनिया नहीं देख रही थी कि ये हुसैन इब्न मुस्तफ़ा है, हुसैन इब्न अली है, हुसैन इब्न नबी है, मगर उनके साथ खुदा था। आज भी हर कमजोर के साथ हुसैन भी है, हुसैन का नाना भी है और हुसैन के नाने का खुदा भी है। हर मजलूम के साथ, हर कमजोर के साथ, हर शहीद के साथ। ये सौदे सल्तनतों के तामुन से नहीं होते, हक की अपनी ताकत है। सिर्फ जमीर नबी के, नजरिया नबी के, किरदार नबी के, खड़े रहो, खड़े रहो। फतह बिलाखिर हक की होती है। आज भी दुनिया कहती है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला को जब देखें तो जाहिरन तो वो शहीद हो गए और यजीद तख्त पे बैठा रहा, मगर तख्त पे बैठकर भी वो शिकस्त खुर्दा हुआ और नेजों पे चढ़ के भी हुसैन फतायाब हुआ। हमारे यहां तारीफ फतायाबी और नाकामी की ये है, हम इस वजह से कामयाब हैं कि हम हुसैनी हैं और तुम इस वजह से नामुराद और नाकाम हो कि तुम यजीदी हो। तुम्हारा यजीद की तर्ज अमल पे चलना तुम्हें बर्बाद करता है। हमारा हुसैन की रविश में रहना और उसी पर जीना, उसी पे मरना हमें कामयाब और कामरान करता है। मुझे इल्म है, कई लोग पूछते हैं क्या बनेगा मॉरल टाउन के शहीदों का। हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, मगर इस मुल्क में कानूनी जंग से मजलूमों को तो इंसाफ कभी नहीं मिला। हां मैं कह रहा हूं कभी इंसाफ नहीं मिला, मगर फिर भी कामयाब होंगे। वो कैसे कामयाब होंगे कि ये गरीबों मजलूमों की जंग लड़ते लड़ते अगर मैं मर भी गया तो मैं सुरखरू होगा खुदा के हुजूर के, मौला मैं वक्त के फिरौनों के साथ समझौता करके नहीं आया, मैं कारूनों की दौलत के साथ समझौता करके नहीं आया, यजीद के साथ समझौता करके नहीं आया। बेशक इदारों ने इंसाफ नहीं दिया, मगर मैं जंग लड़ते लड़ते हक की खातिर मर गया हूं। यह फतह है हमारी। इंशाअल्लाह इसी तरह की फतह कराची की भी होगी। वक्त आते हैं गुजर जाते हैं, इंशाअल्लाह कराची को भी अल्लाह फतह अता करेगा। जिस दिन कराची की सलामती लौट आएगी, बहार लौट आएगी, कराची का इख्तियार कराची को दे दिया जाएगा, उस दिन समझें बहार का फतह याबी का वक्त आ गया। कोई कितनी देर रोकेगा इसको, अल्टीमेटली फतह इसी चीज की होगी। आपको अपने करेक्टर को उस्तवार करना है। इस निश्तर पार्क की कॉन्फ्रेंस जो सीरत नबी और क़याम अमन की कॉन्फ्रेंस, इस पर वो पैगाम दे रहा हूं जो आका अलैहिस्सलाम ने हमें पैगाम दिया है। दो चीजें जहन में रखनी है, दो चीजें। एक ह्यूमैनिटेरियन रहना है, हमेशा इंसानियत के लिए काम करना, और दूसरा करप्शन से समझौता नहीं करना। इंसानियत को निगाह से नहीं गिराना, इंसानियत के लिए जीना और मरना है। ताजदार कायनात सारी इंसानियत के लिए जीना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं सही मुस्लिम में, फरमाया मन नफ्फसा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरब दुनिया नफ्फसल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरब यौमिल क़ियामा।
ये करैक्टर दे रहा हूं कि इस्लाम है क्या। ये दीन इस्लाम खाली पूजा पाठ का मजहब नहीं है, ये एक फिक्र देता है, एक किरदार देता है, एक मोरालिटी का मेयार देता है, एक इंसानियत की सोच देता है। अगर वो नहीं ली, सारी रस्में करते फिरे, उसमें इस्लाम की रूह नहीं आएगी आपके। आकर इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स किसी एक शख्स की, एक इंसान की दुनिया की परेशानियों में से एक परेशानी को अपनी एफर्ट के जरिए दूर कर दे, अल्लाह पाक उसके बदले कयामत के दिन की उसकी परेशानी को दूर कर देगा। बड़ा बड़ा दे, सेलफोन बड़ा दे, ये देना, कयामत के दिन की परेशानी को दूर कर देगा। ह्यूमैनिटेरियन होना, अपनी सोच में इंसानियत को रखना, इंसानियत के लिए जीना, इंसानियत के लिए मरना, इंसानियत से प्यार करना, इंसानियत को इज्जत देना, इंसानियत की परेशानी को खत्म करना, इंसानियत की राह के लिए, मसर्रत के लिए, फर्द के लिए स्ट्रगल करना, यह इस्लाम, यह सीरत मोहम्मदी है। और आका अलैहिस्सलाम इसका तरीका क्या है, किसी के पास खाने का ना हो तो अपने खाने में उसको शरीक कर लो, अपना भी दूसरे को दो, यह इस्लाम है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि इन्नल अशअरीना, कि जो अशअरी कबीला है, सहाबा कराम का एक कबीला था अनसार का, फरमाया इज़ा कल्ला तआमु इयालहिम बिल मदीना जमाऊ मा काना इंदहुम फी सौबिन वाहिदिन थुम्म इक्तसमूहु फी इनाइन वाहिदिन बिस्सबिया फहम मिन्नी व अना मिन्हु। आकर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा में एक कबीला है अशअरी, आकर इस्लाम ने फरमाया मैं उनमें से हूं और वो मुझ में से हैं, हालांकि न वो अहले बैत में से थे, न वो कुरैशी थे, न हाशमी थे, वो अनसार का एक कबीला था अशअरी, कबीला भी और। फरमाया हम मिन्नी व अना मिन्हुम, वो मुझसे हैं मैं उनसे हूं। सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह आप उनसे कैसे हो गए और वो आपसे कैसे बन गए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनका एक किरदार है उस कबीले का, उस कबीले का एक कंडक्ट है, उस कबीले का एक बिहेवियर है, उस कबीले का एक कल्चर है, उस कबीले की एक हैबिट, एक आदत है, उससे मुझे इतना प्यार है कि वो कबीला मुझसे है और मैं उनसे। पूछा या रसूलल्लाह वो कबीला क्या करता है, फरमाया जब उनमें से कुछ लोगों का खाना खत्म हो जाता है और कुछ लोगों का रह जाता है तो वो सारा खाना पीना, गंदम चावल दाल घी दूध खजूर जो कुछ होता है इकट्ठा एक कपड़े में जमा कर लेते हैं और एक बर्तन लेके सब में बराबर तकसीम कर देते हैं ताकि कोई भूखा ना रहे, वो सारा कुछ बराबरी से जब दूसरों में बांट देते हैं, फरमाए अल्लाह की इज्जत की कसम उनके इस अमल की वजह से वो मुझसे हैं और मैं उनसे। ये है इस्लाम, ये है सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सीरत मुहम्मदी है। और इस किरदार को, सोच को अपनाएंगे तो अमन का क्याम होगा। जब आप अपना माल भी दूसरे को खिलाएं तो दूसरे को लूटेंगे कैसे। यहां तो बदकिस्मती यह है कि जो पाकिस्तान के लीडर हैं वो सारा मुल्क लूट के खा गए, इतना लूटा है कतरा 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 करके कि लोग तो कतरे कतरे से दरिया बनाते हैं, इन्होंने समंदर बना दिए, कतरों से समंदर बना दिए और कतरों से अरबों बना लिए, अरबों। तो उन अरबों को बचाने के लिए फिर अरब ही आएंगे ना, अरबों की हिफाजत भी अरबों के जरिए होगी, छोटा मोटा तो कोई कर नहीं सकता ना हिफाजत, छोटा मोटा नहीं कर सकता। और कतरा कतरा करके चुके अरब बनाए तो अब उस कतरे कतरे की हिफाजत के लिए कतरी आएंगे ना। जब आप लूटने पर आते हैं,
दूसरे का माल खाते हैं, मुल्क का माल खाते हैं, 20 करोड़ आवाम का माल खाते हैं, आप कहां खड़े होते हैं? और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अपना खाना भी दूसरों में बराबर बांट दे और सारे मिलकर खाएं, वो मुझसे है, मैं उनसे हूं, वो कहां खड़े हैं? एक तरफ ये है सीरत मुस्तफ़ा, एक तरफ ये है, ये सीरत कारून की है और वो सीरत मुस्तफ़ा की है। हमें रास्ता चूज करना है। करप्शन का रास्ता इस्लाम का रास्ता नहीं है। आकर इस्लाम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, मन कान इंदौ फजलो जादिन फल यऊद बही अला मल्ला जादला, व मन कान इंदौ फजलो जहरिन फल यऊद बही अला मल्ला जहरा लहू। सहाबा कहते हैं, हत्ता जनन्ना अन्नहू ला हक्क लिअहदिन मिन्ना फिल फजल। आकर इस्लाम ने फरमाया सहाबा कराम से, तुम में से जिसके पास जरूरत से जायद सवारी है वो लौटा दे उसे, लौटा दे जिसके पास जरूरत की सवारी नहीं। तुम में से जिसके पास जरूरत से जायद खाना पीना है वो लौटा दे उसे जिसके पास जरूरत का खाना नहीं। सहाबा कराम ने समझा कि हम ये गुमान करने लगे कि शायद एक दाना भी आका जरूरत से जायद बचाने की इजाजत नहीं देना चाह रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम के लफ्ज पे तवज्जो फरमाए, हुक्म फरमाया फल यऊद बही, ये नहीं फरमाया जिसके पास जरूरत से जायद है वो दे दे उसे, दे दे जिसके पास जरूरत का नहीं, देना नहीं फरमाया। अगर फरमाए ना दे दे तो देने में एहसान का तसव्वुर होता है, जैसे आप किसी पे एहसान कर रहे हैं, अपना है उसको दे रहे हैं, अपना है उसे दे रहे हैं, देना और चीज होती है। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने, हम सब के आका मौला ने नहीं फरमाया कि दे दे, फरमाया फल यौद बही, लौटा दे उसे जिसके पास जरूरत का नहीं। समझाना, मैसेज देना यह मकसूद था। जब मुआशरे में ना इंसाफी हो जाए, मुआशरे में ना हमवारी हो जाए, कुछ लोग लूट लूट के खा जाएं और वो अरबों खरबों के मालिक बन जाएं, और कुछ लोगों को इज्जत की रोटी ना मिले, उनको पानी ना मिले, बिजली ना मिले, आराम ना मिले, पंखा ना मिले, रोजगार ना मिले, इलाज ना मिले, गोली ना मिले, अस्पताल का इंतजाम ना मिले, जिंदगी दोबर हो, जब मुआशरे में इतनी नाहमवारी हो जाए, तो आका अलैहिस्सलाम के फरमाने का मकसद ये था, लौटा दे। समझ लो कि ये जो पैसा तुम्हारे पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका नहीं है। मेरे बेटे, मेरे बेटे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका नहीं है। मुस्तफा करीम ने फरमाया वो उन गरीबों का था जो भूख से मर रहे हैं, इस निजाम ने जुल्म से छीन कर तुम्हें पहुंचा दिया, उनको वापस लौटा दो। आपको कुछ समझ आती है अल्हम्दुलिल्लाह की, माशाअल्लाह की समझ आती है कि आवाज ऊंची करो बेटे, समझ आती, हाथ खड़ा करें ना, किनको समझ आती अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ हमारा है, अल्लाह का फजल है, सब कुछ हमारा है, समझ आती है? नहीं। आका सलाम ने फरमाया फल यऊद बही, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ये तुमने लूटा है। मैं सही मुस्लिम की हदीस बता रहा हूं, ताजदार कायनात का फरमान बता रहा हूं। आपने देखा अव्वल जुमले से अब तक एक बात भी मैंने रेफरेंस या कोई सॉलिड अपनी तरफ से नहीं की, कोई की है? हर चीज ताजदार कायनात की सुनाई है आपको, मैंने सीरत मोहम्मद ही बताई है, फरमान रसूल बताया है, हदीस पाक बताई है आका इस्लाम, इलेबोरेट जरूर मैं कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, मगर एक एक उसूल और कुल्लिया ताजदार कायनात का बता रहा हूं। तो आका इस्लाम ने फरमाया जब ऐसा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहो, वो तुम्हारा नहीं है। हराम माल पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा जाता, हराम माल पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, माले हलाल पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लौटा दे उसे जिसका हक था, और इस जालिम तुम्हारे तख्लीक करदा निजाम ने उन गरीबों कमजोरों से छीन कर तुम्हारी झोली तक पहुंचा दिया, लौटा दो उन्हें, जिनका माल था उन्हें लौटा दो। ये 20 करोड़ आवाम का माल है, ये गरीबों का माल है, यतीमों का माल है, बेवाओं का माल है, महरूमों का माल है,
उन जवानों का माल है जो डिग्रियां लेके फिरते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, जिनके बच्चे एड़ियां रगड़ के मर जाते हैं। अब क्या ये होगा, वो चैनल बंद कर दिए लाहौर का टीवी, तो क्या हो गया, माल उनका है ना चुके, तो चैनल बंद हो गए कि ये पैगाम, रसूल पाक का पैगाम क्यों जा रहा है, अल्लाह के नबी का पैगाम क्यों जा रहा है। वो ऐसा पैगाम नहीं चाहते लोगों को जाएं, वो ऐसा पैगाम चाहते हैं जिससे लोग सुन हो, सुने और सुन हो जाएं, जो सुनकर बेदार हो जाएं, उन्हें ऐसा पैगाम है मुस्तफा नहीं चाहिए आकल। और मैं आपको ये तरबियत के तरीके देगा, आकल इस्लाम ने फरमाया जो शख्स किसी मोहताज की मदद के लिए एक कदम चल के जाए, सिर्फ एक कदम, फरमाया 10 साल मसनून एतिकाफ करने से बड़ी इबादत है। हदीस पाक सुना रहा हूं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत की आका अलैहिस्सलाम से, एक कदम किसी मोहताज की मदद के लिए जो चले, फरमाया 10 साल के मसनून एतिकाफ से ज्यादा अजर है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की अपनी सीरत तैयबा, अपनी सोच, आपकी अपनी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ बिहेविंग द पीपल डीलिंग, वो हमने समझा नहीं। बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अल हदीस है, एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। सहाबा कराम बैठे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई तुम्हें क्या हुआ, कैसे हलाक हो गए। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं रमज़ानुल मुबारक का महीना, मैं रोजे से था और मैं अपना रोजा तोड़ बैठा हूं, जो काम शरी तौर पे मुझे रोजे में इजाजत नहीं थी, वैसे हलाल था मगर शरी तौर पे रोजे में इजाजत नहीं थी, तो मैंने अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम किया तो रोजा तोड़ दिया, मैं हलाक हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मैं हुजूर की सीरत समझा रहा हूँ, वे ऑफ थिंकिंग, आका अलैहिस्सलाम किस तरह एड्रेस करते हैं ह्यूमन इशूज़ को, ये बात समझने वाली। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारे पास कोई ग़ुलाम है, बांदी है, जिसको आज़ाद करें, किसी ग़ुलाम को आज़ाद करें, अब इसका कफ़ारा। उसने कहा कोई नहीं जिसे आज़ाद करूँ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने कानून जो शरीयत का मुकर्रर कर रखा है पूछा, तुम 2 महीनों के मुसलसल रोज़े रख सकते हो, इसका कफ़ारा है 60 रोज़े रखना। उसने नहीं जी, एक नहीं रख सका, एक तोड़ बैठा हूँ, 60 कैसे रखे जाएंगे, वो भी नहीं रख सकता। अब एक तरफ आका अलैहिस्सलाम की बातें सुने, एक तरफ एक इंसान है उसकी बात को सुने, ज़रा कंपेयर करें और देखें कि असल रूह दीन की है क्या। पूछा 60 दिन के मुसलसल रोज़े रख सकते हो, ये इस खता का गुनाह जो कफ़ारा है, इस रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा है। अस क्या नहीं या रसूल, वो भी नहीं रख सकता। अब उस कहने वाले की भी हिम्मत देखिए, उसको पता है ना किस बारगाह में बात कर रहा हूँ, यहाँ सुनवाई होगी, यहाँ आज कोई किसी को कह सकते। फिर आका अलैहिस्सलाम ने पूछा अच्छा 60 मिस्कीनों को, जो गरीब मिस्कीन है, यतीम है मिस्कीनों, उनको खाना खिला सकते हो, ये आखिरी है, 3 कफ़ारे, 3 में से कोई एक कफ़ारा, 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो। असली या रसूल अल्लाह इतने पैसे भी नहीं, गरीब हूँ, मिस्कीनों को खाना भी खिलाने के पैसे नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि चले जाओ, क्या लेने आए हो मेरे पास। अब आज के ज़माने की मजहबी सोच तो इस तरह की बन गई है ना, निकाल दो इसको, पका दो, मेरे पास क्या लेने आया, मजाक करने आया, नहीं ना ना। फरमाया अच्छा बैठ जाओ, ये है दीन, ये है सीरत मुस्तफ़ा, ये है आज मिलाद पाक का पैगाम। फरमाया बैठ जाओ। बस थोड़ी देर में एक शख्स एक थैला भर के खजूरों का लेके आ गया, थैला खजूरों का भरा हुआ आ गया, पेश किया या रसूलल्लाह ये खजूरें हैं ताज़ा थैला। आका अलैहिस्सलाम ने जब खजूरों का थैला देखा तो पूछा वो साहिल कहाँ है, वो रोज़ा तोड़ के जो आया था, बुलाओ। खड़ा हो गया या रसूलल्लाह मैं हूँ। फरमाया ये थैला ले जाओ और मदीना के 60 मिस्कीनों को बाँट दो, खजूरें मैं देता हूँ,
मदीना के 60 मिस्कीनों को बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। वो हाथ जोड़ के अर्ज करता है, या रसूलल्लाह मुझसे ज्यादा गरीब मिस्कीन ही कोई नहीं है। हदीस पाक है, फरमाया या रसूलल्लाह मैं मिस्कीनों को जाके बांटू, मेरे घर से बढ़ के तो मदीना में मिस्कीन ही कोई नहीं। हदीस पाक के अल्फाज हैं, आका अलैहिस्सलाम ये बात सुन के हंस पड़े, फदाहिका नबीयो हत्ता बदत अनियाबहू, इतना हंसे कि आपके दंदान मुबारक नजर आने लग गए। एंजॉय किया उसकी बात, एंजॉय किया, हंस पड़े, कहता मुझसे ज्यादा गरीबी कोई नहीं। उसने देखा खजूरों का थैला मिल रहा है और जाके गरीबों को बांट दूं तो मुझसे बढ़ के हकदार कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम हंस पड़े, फरमाया थुम्मा काल अतइमहु अहलक, अच्छा भाई ले जाओ खजूरें, खुद खा लो और अपने घर वालों को खिला लो, तुम्हारा कफारा अदा हो गया। यह है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना करीम कायनात में कोई होगा? इतना रहीम कोई होगा? इंसानियत का इतना ख्याल रखने वाला कोई होगा? इतना गरीब परवर कोई होगा? इतना मोहताजों मिस्कीनों का ख्याल करने वाला, शफकत करने वाला कोई होगा? ये जो मोहताज परवरी है और गरीब परवरी है, ये है सीरत मुहम्मदी, ये है इस्लाम। इसको अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, और सियासी स्ट्रगल करने वाले सियासी जमातों के लोग अगर इस आइडिया के लिए काम करते हैं, इस आइडिया, इस मिशन, इस विजन के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए काम करना इट्स सेल्फ इबादत है, इट्स सेल्फ इबादत है। मगर इस दुनिया में, इस माहौल में जो लूट मार का माहौल है, उसमें यकीनन मुश्किलात आएंगी, रुकावटें आएंगी, मगर मर्द हक मर्द आहन होता है, वो बर्दाश्त करता है। हदीस पाक में है, मैं आपको आका अलैहिस्सलाम कितने काइंड हैं, कितने मॉडरेट हैं, कितने कंपैशनेट हैं, कितने रहीम हैं, कितने शफीक हैं, कितना गरीब परवर हैं, इंसानी कमजोरियों का कितना ख्याल रखने वाले हैं। मस्जिद नबवी में बैठे हैं, ये भी मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है बुखारी मुस्लिम की। देहात से एक शख्स आया है, अराबी बद्दू, उसको ज्यादा आदाब मालूम नहीं है मस्जिद के, बारगहे नबवी के आदाब मालूम नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कभी आके बैठा नहीं था, सीधा आया आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में, कुछ सवाल पूछे, मसाइल पूछकर उसको थोड़ा प्रेशर था, वो उठा और मस्जिद के सेन में ही खड़े होकर एक तरफ पेशाब करने लग गया। ये सही बुखारी सही मुस्लिम मुत्तफ़क़ अलैह हदीस बता रहा हूं। ये रुख इस्लाम के और सीरत मुस्तफ़ा के दिखाए हैं हमें, बताइए बोलिए। नहीं, मस्जिद के कोने में सेन में पेशाब करने लग गया, सहाबा कराम उठे, उन्होंने जोर से आवाज की, उसको रोका, मत करो ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, खबरदार पेशाब। आका अलैहिस्सलाम ने उनको खबरदार करके रोक दिया, तो मैं खबरदार, इसे नहीं मालूम, इसे मत रोको। उसने पेशाब शुरू कर दिया है, तुम रोकोगे वो बीमार हो जाएगा, उसको तकलीफ हो जाएगी, उसे कर लेने दो, उसको तकलीफ में मुबतला न करो, रोक दिया। उसने पेशाब कर लिया, पेशाब करके उसे बुलाया और फिर प्यार से समझाया, कहा ये मस्जिद इबादत की जगह है, यहाँ पेशाब नहीं करते, आइंदा ख्याल करना। और फिर सहाबा को कहा कि तुम डोल भर के पानी का ले आओ, पानी का डोल ले आओ, और भाई इसका जो जगह है फर्श साफ कर दो, धो। ये है बिहेवियर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, शफकत का बिहेवियर है, ये शफकत का बिहेवियर है। अगर हम सोच ये अपने अंदर पैदा नहीं करते तो हमने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं की, हमने आका अलैहिस्सलाम की गुलामी नहीं की, हमने आका अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को नहीं समझा, हमने आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की अजमत को नहीं समझा। हमें इस मैसेज को अपनी जिंदगी में अपनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एक और हदीस है, वो भी बुखारी मुस्लिम की, मुत्तफक अलैह, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, आपके सामने से एक जनाजा गुजरा, किसी शख्स की डेथ हो गई और जनाजा लेके गुजरे उसके अज़ा अक़ारिब, जो ही आपने जनाजा देखा तो आप उस इंसानी जनाजे के एहतराम में खड़े हो गए, आपका मामूल था, जिसका भी जनाजा गुजरता आप खड़े हो जाते एहतराम में।
हालांकि सारी इंसानियत आपके कदमों की धूल पर कुर्बान। हर एक को इज्जत और तकरीम आकर इस्लाम के नाले ने पाक के सदके से मिलती है, आकर इस्लाम के जोड़े के सदके मिलती है, मगर हर जनाजे के लिए खड़े हो जाते। जब आप खड़े हुए तो आपके साथ कुछ सहाबा कराम थे, उन्होंने हुजूर इस्लाम के कान में कहा, या रसूल्ला ये जिसका जनाजा, ये शख्स यहूदी था। कान में कहा, या रसूल्ला ये यहूदी था। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और फरमाया, फ़काल अलैसत नफ्सन, अरे बताने वाले कि यहूदी था, बताओ इंसान नहीं था? मैं इंसान के जनाजे का एहतराम कर रहा हूं, इससे गरज नहीं है उसका मजहब क्या था, ये इंसानियत का एहतराम है। मुसलमान जनाजे की खातिर नहीं खड़ा हुआ, इंसान के जनाजे से खड़ा हुआ हूं, वो यहूदी हो या मसीही हो या कोई हो। फरमाया ये इंसान, इंसानियत का एहतराम। ये जो बुनियादी चीज आपको बताई, इंसानियत का एहतराम, ये असल दीन है, असल सीरत है, असल इश्क मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर शख्स सदका दे, हर शख्स चैरिटी करे। ये तिरमजी शरीफ की हदीस है, हर शख्स चैरिटी करे, सरदार जी और बिशप साहब, हर शख्स चैरिटी करे, सदका दे। दूसरे बिशप साहब भी हैं। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जिसके पास पैसे नहीं वो सदका कहाँ से दे, वो गरीब की मदद कहाँ से करे, खुद भूखा है, वो चैरिटी कहाँ से दे? आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फरमाया, तबस्सुम काफी वजह अखीक लका सदका तुम, जिसके पास कुछ नहीं देने को वो अपने भाई को देख के मुस्करा पड़े, मुस्कराना भी सदका है, स्माइलिंग फेस के साथ मिलना भी सदका है। अब मजहब की अलामत बन गई है आज, चेहरा रूखा रखना, गैज़ और गजब चेहरे पे रखना, आंखों में चेहरे पर जलाल रखना, हम समझते इससे कोई दीन का रोब पैदा होगा। ताजदार कायनात का तरीका ये नहीं है। आका अलैहिस्सलाम गुनाहगारों से भी प्यार करते, मस्जिद में गलती से किसी ने पेशाब कर दिया उसको भी डांटा नहीं है मेरे मुस्तफ़ा ने। इंसानियत का एहतराम है, इंसानियत से प्यार है। चेहरे को फरमाया मुस्कराता रखो, किसी बहन को, भाई को, बहनें बैठी हैं, बेटियां हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में मर्द बैठे हैं, सुभान अल्लाह एक समंदर है। मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान कराची और सिंध और पाकिस्तान अवामी तहरीक कराची और सिंध, उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत थोड़ा नोटिस दिया मैंने, बड़ा शॉर्ट नोटिस, अचानक एंड पर प्रोग्राम बनाया। लाहौर का टिकट था मेरा, मेरा लाहौर का टिकट था दुबई से लाहौर, मैंने उसे कैंसिल करवाया, मैंने पेनल्टी पे की और पेनल्टी पे करके अचानक चेंज किया, मैंने कहा सीधा कराची जाऊंगा। इनको इतला की और थोड़े से वक्त में इतना एहतमाम किया और अजीम व शान एक समंदर, लोगों का समंदर नजर आता है। मुबारकबाद हो आपको, ये कराची के अवाम को मुबारक हो, ये इंसान अमल की बहाली में रोल प्ले करें। मैं ये बता रहा था, फरमाया मुस्करा पड़ो, हमसे तो मुस्कराहट भी छीन ली है, और मजहब का मजहबी किरदार जो है उसमें तो मुस्कराहट इल्ला माशाल्लाह नाम की नहीं रही। हमारी तबीयतों में गुस्सा आ गया है, दीन गुस्से का नाम नहीं, गुस्से से नफरत आती है, दीन मोहब्बत का नाम है, दीन शफकत का नाम है, दीन प्यार का नाम है, दीन मुस्कराहट का नाम है, मुंह बसोड़ने का नाम नहीं है। जिसके चेहरे पर मरोड़, यबूसत, खुशकी और अजीब सी कैफियत देखो समझो इसको हुजूर की सीरत से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्कराते चेहरों का हुजूर की सीरत से ताल्लुक है। अब हदीस पाक सुनाता हूं, यहया इब्ने अबी कसीर रिवायत करते हैं कि एक शख्स था, उसको जब देखो मुस्कराता रहता, जब देखो हंसता है, जब मिलो हंसता नजर आता था, जब मिलो जब देखो वो हंसता ही हंसता था। किसी ने जिक्र किया आका अलैहिस्सलाम के सामने, आका वो हर वक्त हंसता है, वक्त बेवक्त हंसता है। जब आका अलैहिस्सलाम ने सुना तो मेरे और आपके ताजदार कायनात आका ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया इंशाअल्लाह वो जन्नत में भी मुस्कराता हुआ जाएगा। सुन लो,
इतनी कदर फरमाते मुस्कराहट की, फरमाया वो जन्नत में मुस्कराता हुआ जाएगा। अब ऐसे किसी का दिल खुश करने के लिए मैं और आप तो ऐसी बात कर सकते हैं, किसी का दिल रखने के लिए वसीम भाई तो ऐसी बात कर सकते हैं, आप तो ऐसी बात कर सकते हैं, आफ्ताब साहब हैं, मगर वसीम आफ्ताब साहब, वसीम दोनों नाम साजे है ना, ये भी आज आका की सीरत पाक का फैज है कि देखिए MQM जो मादर जमात है असल क़यादतें पैदा करने वाली, ये सब MQM ने पैदा की हैं क़यादतें, और वसीम भाई और सारे आज एक स्टेज पे बैठे हैं, किसी और स्टेज पर ये दोनों जमातें इकट्ठी हो सकती हैं? ये ताजदार कायनात का फैज है, ये आका इस्लाम का फैज है, ये आका की मोहब्बत का फैज है, ये हुजूर की सीरत पाक का फैज है। जब ये निस्बत आती है वहां सारे फासले खत्म हो जाते हैं, सारे फासले खत्म हो जाते हैं। यही मेरी जिंदगी का मिशन है, हम जोड़ने के लिए हैं। तो आकर इस्लाम ने उसकी मुस्कराहट पर, हम तो कह सकते हैं ऐसे किसी का दिल रखने के लिए कि जन्नत में जाएगा, मगर आकर इस्लाम तो ऐसा नहीं फरमा सकते। जब आपने कलिमा फरमाया वो हो गया, वो हो गया, फरमाया जन्नत में भी मुस्कराता हुआ जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक, एक सहाबा पूछते हैं, एक सहाबी पूछते हैं, अबू शुरे रिवायत करते हैं, फरमाया या रसूलल्लाह अखबिरनी बिशैइन यूजिब लियल जन्ना। अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे कोई एक अमल बता दें जिससे जन्नत वाजिब हो जाए मेरे लिए। लो जी सरदार साहब, आसान चीज, आसानियां पूछने के पैगाम, उल्फत के, अफकत के पैगाम, उल्फत के पैगाम, मवद्दत के पैगाम, यकजाई के पैगाम, ये बंद हो गए। इसकी जगह ले ली इंतहा पसंदी ने, ले ली, हमें पलटकर मोहब्बतों की तरफ जाना है। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह कोई चीज बता दें जिससे मेरे लिए जन्नत वाजिब हो जाए, सीधा जन्नत में जाऊं। आकर सलाम ने फरमाया सुन लो, ये नुस्खा भी दे देता हूं। फरमाया तीबुल कलाम व बजल सलाम व तामुल व इतआम उत्ताम। फरमाया तीन काम कर लो जन्नत वाजिब हो गई। फरमाया बात हमेशा नरमी और मोहब्बत की करो, तीबुल कलाम, हमेशा जो गुफ्तगू करो अच्छी करो, उस गुफ्तगू में नरमी हो, गुफ्तगू में प्यार हो, गुफ्तगू में मिठास हो, गुफ्तगू में शीरीनी हो, गुफ्तगू में दूसरे के लिए उल्फत हो, गुफ्तगू सख्त ना करो, करख्त ना करो, नरम करो, नरम दमे गुफ्तगू, एक ये करो। दूसरा बज़लु सलाम, हर तरफ सलामती फैलाओ, अमन फैलाओ, हर तरफ अमन फैलाओ। ये जो आप अस्सलामु अलैकुम कह के मिलते हैं ये भी अमन का मैसेज है, तुम पर सलाम हो, तुम पर सलामती हो, अमन और सलामती फैलाओ। और तीसरा हर भूखे को खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। आप देख लें सादा सा नुस्खा दिया, फरमाया जन्नत वाजिब हो गई। अब यहां एक नुक्ता बता दूं, कुछ चीजें हुकूकुल्ला में हैं जो वाजिबात हैं, फराइज हैं, कुछ हुकूकुल इबाद में हैं जो बंदों के हुकूक हैं। जो हुकूकुल्ला अल्लाह के हुकूक हैं उनमें कोताही हो, अगर हो गई तो अल्लाह खुद माफ कर सकता है, माफ कर देगा, वो गफूर रहीम है। मगर बंदों के हुकूक में तलफी हो गई तो अल्लाह का कानून है वो माफ नहीं करेगा जब तक बंदे माफ ना करें। तीनों चीजें आकर इस्लाम ने हुकूकुल इबाद की बताई। फरमाया लोगों से गुफ्तगू मीठी करो, सलामती फैलाओ और भूखों को खाना खिलाओ। फरमाया अगर ये तीन काम करो तो जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब हो जाएगी। और फरमाया हालाकल मुतनत्तिउन,
हलाक अल मुतनत्तिउन, हलाक अल मुतनत्तिउन, इंतहा पसंद हलाक हो गए। ये हदीस पाक है, ये कोई टर्म आज हमने नहीं बनाई कि कोई कहे कि शायद आज हमने घर ली है। ये इंतहा पसंदी का लफ्ज नहीं, 1500 साल कबल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और ये अल्फाज सही मुस्लिम के हैं और सही बुखारी शरीफ के हैं। फरमाया इंतहा पसंद हलाक हो गए, इंतहा पसंद हलाक हो गए, इंतहा पसंद हलाक हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतदाल की राह पर, मॉडरेशन पे चलो मंजिल को पालोगे, इतदाल की राह पे चलो मंजिल को पालोगे। एक सहाबी आका अलैहिस्सलाम से पूछता है उसी तरह, या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमा दे, एक नसीहत फरमा दे। फरमाया ला तगदब, गुस्सा न किया कर। उसने कहा आका कोई और नसीहत फरमा दे। फरमाया ला तगदब, दूसरी नसीहत भी यह है कि गुस्सा ना कर। उसने अर्ज किया आका आप कोई और नसीहत फरमा दे। फरमाया ला तगदब। उसने तीन बार पलट पलट के सवाल किया, आका अलैहिस्सलाम ने हर बार एक ही जवाब दिया, ला तगदब, गुस्से की आग बुझा दो। अरे ये गुस्से की आग है जो नफरतें पैदा करती है, जो गले कटवाती है, जो एक दूसरे का माल लूटता है बंदा, इज्जतें लूटता है, खून बहाता है, दरिंदा बन जाता है। अगर गुस्सा की आग जो भड़क उठी है ये बुझ जाए तो दरिंदा से पलट कर बंदा बन जाएगा, इंसान बंदा बन जाएगा। गुफ्तगू को ख़त्म करने के लिए आखिरी नुक्ते पर आ रहा हूँ गुफ्तगू, और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये सारी बातें इंसानों की थी, ये जो सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़याम अमन, जितनी बातें इस वक्त तक की मैंने आकर इस्लाम की सीरत तैयबा की, आकर इस्लाम की हदीस पाक की, सुन्नत मुबारका की, ये सब इंसानों से मुतालिक थी। इसी तरह है, अब इख्तिताम पर सुन लो कि सीरत पाक इससे भी कहीं वसी तर है, इससे भी वसी तर है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और यह हदीस अबू दाऊद और नसाई की है, आखिरी बात इंसानों की कर लूं, आका का अंदाज देखिए, कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाएं आपकी शफकतों पर, आपकी रहमतों पर, आपकी मोहब्बत भरी हस्ती पर। एक शख्स थे, उसने कोई बड़ा गुनाह किया जिस गुनाह के नतीजे में उसको सजा दी गई, और सजा के नतीजे में वो शख्स, उसकी डेथ हो गई। वो गुनाह ऐसा था, उसकी सजा ऐसी थी, हद ऐसी थी, वफात हो गई। अब जो लोग उसको लाए थे और उसने आके खुद इकरार किया था, उसने चार बार इकरार किया, आका अलैहिस्सलाम उसकी बात सुन के मुंह फेर लेते थे, वो फिर सामने आके इधर से इकरार करता, आका अलैहिस्सलाम फिर मुंह फेर लेते कि अब चला जाए, कुर्बान जाए आपकी शफकतों पर, आपकी रहमतों पर, आपकी मोहब्बत भरी हस्ती पर। एक शख्स थे, उसने कोई बड़ा गुनाह किया जिस गुनाह के नतीजे में उसको सजा दी गई, और सजा के नतीजे में वो शख्स, उसकी डेथ हो गई। वो गुनाह ऐसा था, उसकी सजा ऐसी थी, हद ऐसी थी, वफात हो गई। अब जो लोग उसको लाए थे और उसने आके खुद इकरार किया था, उसने चार बार इकरार किया, आका अलैहिस्सलाम उसकी बात सुन के मुंह फेर लेते थे, वो फिर सामने आके इधर से इकरार करता, आका अलैहिस्सलाम फिर मुंह फेर लेते कि अब चला जाए, वो फिर इधर से आके इकरार करता, या रसूल मैंने ये किया है, मुझ पर हद जारी करें। आका अलैहिस्सलाम फिर चेहरे अनवर फेर लेते, चार बार उससे गुरेज किया कि कहीं इसको कोई भगा दे या खुद चला जाए। वो जब नहीं गया और कोई चारा ना रहा, तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से पूछा, भाई जाओ इसके घर वालों से पूछो कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, कि कोई बंदा खबर दे दे कि थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी बुनियाद पर इसको भेज दें। वहाँ से खबर आ गई कि नहीं, 100% परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई रास्ता नहीं बचा, उसको सजा दे दी गई, फिर उसको क्रॉस एग्जामिन किया कि उसमें कुछ फिसल जाएगा। उसने जब अपने ऊपर सजा जारी करवा दी खुद, तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके सजा हो जाने के बाद गमजदा से हो गए। एक दिन सहाबा कराम बैठे थे और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए सारे बख्शिश की दुआ करो। ये सही बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस।
उसके लिए बख्शिश की दुआ करो। सहाबा कराम से दुआ करवाई, सब ने उसके लिए इस्तिग़फ़ार किया। उसका नाम था माइज। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी ने उसको बुरा भला कहा, वो जो शख्स जिसकी डेथ हो गई, फरमाया खबरदार, उसने इतनी बड़ी तौबा की है कि अगर सैकड़ों हज़ारों लोगों के एक बहुत बड़े तबके पर उसकी तौबा तकसीम कर दूं तो हज़ारों की बख्शिश हो जाए। उसको लान तान न करो। फिर आप चुप बैठे थे, सहाबा कराम से फरा जो उनको ले आए थे वो सामने आ गए। आकर सलाम ने फरमाया, हल्ला तरक तो मुँह हो लल्लाहु अन यतूबा फयतूब अल्लाह अलैह। आका ने फरमाया, तुम उसको क्यों लाए थे हमारे पास? उसको छोड़ देते, उस पर कपड़ा डाल देते, छोड़ देते, शायद वो तौबा कर लेता, अल्लाह भी उसको माफ़ कर देता। तुम क्यों ले आए? मैं आपको ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर बता रहा हूँ। आकर इस्लाम कितने कंपैशनेट थे, कितने मर्सीफुल थे, कितने रहीम थे, कितने शफीक थे। शरीयत की हद है, उस पर भी दुखी हैं, आकर इस्लाम नहीं देना चाहते। ये आकर इस्लाम का तर्ज अमल। मैंने आपको कहा कि गुनहगारों के साथ भी शफकत का आलम यह था। इंसानों की बात ख़त्म हुई गुफ्तगू के एंड पर, बता रहा हूँ हुजूर की सीरत पाक का ये गोशा। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, आका इस्लाम ने फरमाया, उज़्ज़िबत इमरातुन फी हिर्रतिन हबसतहा हत्ता मातत जूअन फदखलत फीहन्ना। आका इस्लाम ने सहाबा कराम से फरमाया, बनी इसराइल के ज़माने में एक औरत थी, उसकी एक बिल्ली थी। बिल्ली, उसने बिल्ली ने कोई उसका बर्तन तोड़ दिया होगा या उसका कोई चीज़ गिरा दी, कोई वजह होगी, उसने नाराज़ होकर बिल्ली को बांध दिया और दो तीन दिन बांधे रखा, खाना पीना उसको नहीं दिया, तो भूख और प्यास की वजह से बिल्ली मर गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस बिल्ली की जान लेने की वजह से अल्लाह पाक ने उस औरत को दोजख में फेंका, उसके सारे अमल बर्बाद गए, जो कुछ अमल करती रही थी सारे जल गए, बर्बाद हो गए। एक बिल्ली की जान लेने पर उसे दोजख दी गई। फिर उसके बाद दूसरी हदीस, वो भी मुत्तफक अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम की, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फिर एक दूसरे दिन मजलिस में आकर इस्लाम ने फरमाया, एक शख्स था, एक और शख्स था, बड़ा गुनाहगार था, फासिक था, गुनाहगार था। उसको प्यास लगी, गुजरा रस्ते से, कुआं देखा, उस कुएं में से पानी निकाल के पिया। जाने लगा तो देखा साथ ही एक कुत्ता बैठा है और कुत्ता प्यास के मारे मर रहा है, उसकी ज़ुबान निकली हुई है। उसने देखा कि कुत्ता मर जाएगा, वो रुक गया। फिर दोबारा उसने कुएं से पानी निकाला और पानी निकाल के अपने हाथ से कुत्ते को पिलाया, और जब कुत्ते ने पानी पिया तो उसकी जान में जान आ गई, बच गया। आकर इस्लाम ने सुन के फरमाया, उसका अमल कुत्ते को पानी पिलाकर जान बचाना अल्लाह ने कबूल किया, उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर दिए। उस शख्स को कुत्ते की जान बचाने के इवज़ अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया। उस एक औरत को सारे अमाल ज़ाया गए, बिल्ली की जान लेने के बायस जहन्नम में धकेला गया। इस शख्स के सारे गुनाह माफ हुए, उस एक कुत्ते की जान बचाने के बायस अल्लाह पाक ने उसको जन्नत अता की। और जब उसे ये हुजूर बयान कर चुके तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन्ना लना फी हाज़िहिल बहाइम अजरन, क्या इन कुत्तों और बिल्लियों के मामले में भी अजर मिलता है? कुत्ते और बिल्ली के साथ अगर ऐसा कोई मैटर हो उस पर भी अजर मिलता है? फ़काल फ़ी कुल कबिदिन रतबतिन अजरुन, फरमाया हर जानदार शय, हर जानदार शय, कुत्ता हो या बिल्ली, उसके साथ भलाई करने पर अजर मिलता। तो इस्लाम तो वो दीन है जो कुत्ते के साथ भी ज्यादती की इजाज़त नहीं देता। मैं फिर एंड पर बता रहा हूँ, 17 जून को वो कुत्ते तो नहीं थे हुक्मरानों जिन 14 इंसानों की लाशें गिराई, 17 जून को वो न कुत्ते थे न बिल्लियां थीं। यहां तो कुत्ते की जान भी नहीं ले सकते आप सीरत मुस्तफ़ा में और दीन मुस्तफ़ा में, आका के दीन में, उसकी जान बचाने से जन्नत मिलती है।
اور کتے بلی کی جان لینے سے دوزخ ملتی ہے، اس کی ناحق جان بھی نہیں لے سکتے۔ آپ نے ناحق انسانوں کی جانیں نہیں، 90 انسانوں کے جسموں کو گولیوں سے چھلنے کیا۔ یہاں مدتوں سے کراچی میں ہر روز کتنی جانیں جاتی ہیں، کتنے خون بہتے ہیں، ہے کوئی کسی کا پرسان حال؟ کب انسانوں کی لاشیں گرنے کا عمل ختم ہوگا؟ کب یہاں انسانیت کا احترام آئے گا؟ کہاں انسانی خون جو آج پانی سے بھی ارزاں ہیں، کب اس کا تحفظ اور اس کی حرمت پیدا ہوگی؟ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ کافروں سے بدتر ہیں، اور کافر میں انہیں کہتا ہوں جو کسی لحاظ سے بھی اللہ کو خدا کو نہیں مانتے، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان سے بھی بدتر ہیں۔ انسانوں کی جان لینے والوں، یہ آقا علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا حدیث پاک میں، کسی نے چیونٹیوں کو آگ لگا دی تھی، چیونٹیوں کو، فرمایا کس نے جلایا ہے چیونٹیوں کو؟ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے، فرمایا خبردار، ان کا رب اللہ ہے، آگ کی سزا دینا آگ کے مالک کا کام ہے، تم نہیں دے سکتے۔ اسلام میں اور سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو انسان، کسی جانور کی جان لینے کی اجازت نہیں۔ ہم اگر پاکستان کو اسلام کا، جمہوریت کا، انسانیت کا، امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں احترام انسانیت پر پاکستان کے کلچر کو استوار کرنا ہوگا، ہمیں خدمت انسانیت پر کلچر کو استوار کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس میسج کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، ہم سچے عاشقان رسول ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کا تحفہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تحفہ ہے۔ میرا دل یقین جانیے پھر خوش ہو رہا ہے آپ کا منظر دیکھ کر، حد نگاہ تک، یعنی اینڈ تک کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جو خالی ہو۔ ایک انسانوں کا سمندر ہے، کراچی کے لوگوں نے جی خوش کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کو آقا علیہ السلام کے عشق کے نور سے بھر دے، آپ کو سلامتی عطا کر دے۔ میرے بیٹوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، بزرگوں کو، میری ماؤں کو، اللہ پاک آپ سب کو سلامتی دے، امن دے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرے، اور آقا علیہ السلام کی کملی کا سایہ آپ سب کے سروں پہ رہے۔ کراچی کے امن بحال ہو، اور اس کے امن کی بحالی میں اللہ رب العزت آپ کو ایک کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ وہ نشتر پارک ہے جہاں آج سے کئی سال پہلے 12 ربیع الاول کی رات، اسی میلاد کی رات، یہاں دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا، بم بلاسٹ ہوا تھا، اور 50 سے 60 کے قریب علماء اور حضور کے عاشق اور غلام شہید ہوئے تھے۔ کتنے لوگ اس دھرتی پر شہید ہو گئے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، صرف اس لیے کہ یہ کمزور ہیں، یہ طاقتور نہیں ہیں، یہ فرعون نہیں ہیں، قارون نہیں ہیں، یہ یزید نہیں ہیں۔ یہ ملک صرف طاقتوروں کے لیے نہیں اور دولت مندوں کے لیے نہیں، یہ کمزوروں اور غریبوں محروموں کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ علماء کرام کو پیغام یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کے ساتھ میلاد پاک کا یہ جو پیغام ہے، حضور کی سیرت طیبہ کے اس گوشے کو لوگوں تک پہنچائیں کہ امن اور محبت یہ حضور کی سیرت پاک ہے، امن اور محبت یہ دین اسلام کا کرکس ہے، نچوڑ ہے، امن اور محبت ہی اسلام کا معنی اور مقصود ہے، اور امن اور محبت ہی پاکستان کا پورا معنی اور مقصود ہے۔ اگر امن اور محبت ہم بحال کر لیں، امن اور محبت کو، تو ہم پورے پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح کشمیریوں پر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، وہاں کشمیریوں پر، اس درندگی پر حکمرانوں کے منہ بند ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اس جبر کی، بربریت کی جو کشمیری قوم کی ہو رہی ہے، اور ہم پوری عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں انسانیت کے نام پر وہاں بھی انسانیت کے خون بہانے کو روکا جائے، اور سکھوں جو برادری ہے پورے، وہاں بھی قتل عام ہو رہا ہے، ان کو بھی حفاظت دی جائے۔ پاکستان کے اندر بھی مسلم ہو یا نان مسلم، ساروں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی اگر ہم نہیں بناتے، تو پھر نہ اسلام پر ہم عمل پیرا ہیں، نہ آئین پر، نہ قانون پر، نہ پاکستان کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے۔ پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ کہ لوگ آزادی کے ساتھ،
अमन के साथ अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। अगर वो आज़ादी, अमन और तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर सोचने की बात है कि हम किस रुख की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर रहम फरमाए, आकल इस्लाम की ग़ुलामी अता करें, आकल इस्लाम के इश्क और मोहब्बत में हमें ज़िंदा रखे। दुआ कर रहा हूँ आकल इस्लाम के इश्क और मोहब्बत में ज़िंदा रखे, आकल इस्लाम की ग़ुलामी में ज़िंदा रखे। बारी ताला हमारे गले में हमेशा आकल इस्लाम की ग़ुलामी का तौक रहे, हमेशा आकल इस्लाम की कमली के साए में रहें, और हमारी बरज़ख और आखरत भी आका की शफ़ात के साए में हो। इंसानियत को अमन मिले, आलम इस्लाम को अमन मिले, पूरे पाकिस्तान को अमन मिले, कराची का अमन मेरे मौला बहाल फरमा। आकल इस्लाम के नाले ने पाक के सदके कराची का अमन बहाल कर, सिंध का अमन बहाल कर, पंजाब का अमन बहाल कर। जब तक पंजाब से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की पनाहगाहों का खात्मा नहीं होता, न कोई वजीरिस्तान बचेगा, न कोई और मुल्क का इलाका बचेगा। दहशतगर्दी पलट कर आ जाएगी, पलट कर आ जाएगी। हमें दहशतगर्दी की जड़ों को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा मेरे मौला। आकल इस्लाम की मोहब्बत का दामन हम थामे रहें, आकल इस्लाम के इश्क का दामन थामे रहें, आकल इस्लाम की ग़ुलामी का दामन थामे रहें। आकल इस्लाम की हमें मारिफत नसीब हो, कब्र में भी हुजूर की पहचान और मारिफत हो, आखिरत में भी आका की कमली में रहें। जिन बेटों और बेटियों ने, भाइयों और बहनों ने, बुज़ुर्गों ने, माओं ने आज एक समंदर जमा किया है, एक अजीम शान मिलाद मुस्तफ़ा का इज्तिमा किया है, और सीरत मोहम्मदी का और क़याम अम का पैगाम सुनने के लिए दूर दराज से आए हैं, मेरे मौला इन्हें सलामत रख, इन सबको आबाद रख। सारों को जिन्होंने तामुन किया, वसीम अख्तर साहब ने अपनी कराची के मेयर के तौर पे, और हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने, हमें सिंध में कराची में कभी मुश्किल नहीं आती। अल्लाह की इज्जत की कसम, रहता बेशक लाहौर में हूँ मगर यहाँ आता हूँ तो अपनी जगह से बढ़कर यहाँ अम सुकून और मोहब्बत मिलती है, बढ़कर प्यार मिलता है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज आप MQM के अहबाब आए हैं, PSP के पाक सरजमीन पार्टी के अहबाब आए हैं, तमाम तहरीक इंसाफ के अहबाब आए हैं, काफ लीग से अहबाब आए हैं, साथी आए हैं, और तमाम हैं, सारे बरनी साहब आए हैं, और बहुत सारे नाम मुख्तलिफ तबकात के, मसालिक के, तमाम मकातब फिर के लोग आए हैं। ये आप सबका प्रोग्राम था, आप ही का प्रोग्राम है, आप ही का घर है। ख़वातीन ने, वीमन लीग ने जो मेहनत की, यूथ ने जो मेहनत की, MSM ने की, उलमा कौंसल ने की, तंजीमात ने की, अवामी तहरीक के लोगों ने की, तहरीक मिनाजुल कुरान के लोगों ने की, सारों की कोशिशें अल्लाह कबूल फरमा। इन्होंने तआवुन करवाया, बड़ा एक शानदार एहतमाम किया, इनकी काविशें कबूल कर मेरे मौला। कराची को उसका इख्तियार और ताकत अता फरमा, कराची को उसका अमन अता फरमा, कराची को उसका सुकून अता फरमा, कराची को उसका रौनक अता फरमा। तू हिफाजत फरने वाला है, तू मोमिन है, इसको अमन अता कर दे, अपने अमन की चादर दे सारे पाकिस्तान पर, सारे आलम इस्लाम पर, पूरे आलम इंसानियत को। और इस एहतमाम करने वालों ने मिलाद पाक के महीने की इब्तिदा बहुत अजीम शान प्रोग्राम से की है, मौला इस मिलाद पाक के सदके इन्हें आबाद और शादाब रख, और हमेशा पुर अमन रख और पुर रौनक रख, और दुनिया और आखिरत में अपनी नेमतों, बरकतों और सआदतों के साथ सबको माला माल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन।